किसी भी फॉर्म को बनाने के लिए जो आप फॉर्म बना रहे हैं एमएस एक्सेस के अंदर, सबसे पहले आपने फ्रेमवर्क करना होता है, यानी उस फॉर्म के अंदर क्या क्या चीजें आप पूछना चाहते हो, वो सारी चीजें आपको उस फॉर्म में दिखानी होती है। जैसे कि नेम होता है, फादर्स नेम होता है, उसका एड्रेस होता है, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं उसकी सिटी कौन सी है, उसकी सैलरी कितनी है, या फिर उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। ये सारी की सारी चीजें आपको पहले फ्रेमवर्क करना होता है, ऊपर हेडिंग्स देनी होती है। तो हम दे लेते हैं। आपको पता है सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरा पैटर्न है कि मैं यहाँ पर गया व्यू के अंदर, मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने क्लिक करके डिजाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक नाम दे दिया और इसको मैंने दे दिया एप्लीकेशन फॉर्म के नाम से, डन। ठीक है, बस आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने लिखा नेम, तो आपने ओके किया, और नेम को किस में रखना है, आपने शॉर्ट में नीचे की तरफ, आप जो 255 आ रहा है इसको हटाकर 25 कर दें, ताकि हमारे 25 करेक्टर्स ही रहे। ठीक है, यानी फॉर्म को बनाने के लिए मैंने इसमें बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट कर दी। यानी कौन कौन सी चीजें मैंने डाल दी कि फॉर्म में मेरी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कि वो सीरियल नंबर हो, उसमें नेम हो, फादर्स नेम हो, कॉन्टेक्ट नंबर हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो, सैलरी हो, एम्प्लॉय आईडी और फोटो। ये मेरा फ्रेमवर्क है, यानी ये चीजें मुझे मेरे फॉर्म के अंदर चाहिए, रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद जब ये मैंने डिजाइन व्यू में जाकर इन सारी चीजों को फिल कर लिया, उसके बाद मैं क्लोज करूंगा, ठीक है। क्लोज कहाँ से करना है मुझे, आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि क्लोज हमेशा यहां से करते हैं, ऊपर से नहीं करते। तो मैंने यहां पर क्लिक किया, देन यस, ये कह रहा है एम्प्लॉय आईडी और सीरियल नंबर, मैंने दो डाले हुए हैं। यहाँ से इसको आप इसको थोड़ा सा नंबर्स में कर दीजिए, ताकि हम अपने अकॉर्डिंग मैन्युअली डाल सकें, और फिर क्लोज कीजिए, ठीक है। अब ये व्यू इस टाइप का, डबल क्लिक किया आपने फॉर्म ऐप पर, बस आपने नेम जैसे फिल कर लिया, आपने डाल दिया RANJAN रंजन, फादर्स नेम आपने डाल दिया राहुल, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, ठीक एंटर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कुछ भी, ठीक है, सैलरी कुछ भी, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी आप बंद कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कोई फाइल अटैच करनी है, आप डबल क्लिक करें तो ये खुल जाएगा, कि ऐड कहाँ से करनी है फाइल आप देख लें, अगर आपके पास कोई पिक्चर है तो ऐड कर दें, अदरवाइज छोड़ दें, ठीक है। ये पैटर्न मैंने छोड़ दिया। अब इसको आपने क्या करना है, फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली चीज, आप किस टूल पर जाएंगे, आप जाएंगे क्रिएट टूल, आपने क्रिएट टूल को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जैसे ही आपने क्लिक किया, उसके बाद आपके पास ये वाला पैटर्न होता है फॉर्म, ठीक है। आपने इस फॉर्म को क्लिक किया, तो आपने जैसे फॉर्म को क्लिक किया, ये आपका फॉर्म डिजाइन, ठीक है। फॉर्म डिजाइन होने के बाद आप यहां पर देखें कि ये कुछ बटन्स दिख रहे हैं फॉरवर्ड और रिवर्स के, ठीक है। यहाँ पर वन बाय वन एक एक चीज देख सकते हैं। अगर आप एप फॉर्म को देखें तो यहाँ पर मैंने एंटर करके नीचे की तरफ आ गया, फिर से अपने फॉर्म पर, तो यहाँ पर आपने एक एक एंट्रीज कर ली। यानी फॉर्म के अंदर अगर आप यहाँ पर कुछ देखें, ठीक है, देन यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा कुछ भी लिख रहा हूँ, नहीं लिखा जा रहा, ठीक है।
अब क्या करना है, मुझे इस फॉर्म को कंप्लीट करना है, कंप्लीट तरीके से बनाना है। मैंने क्लिक किया, पहले मैं लेआउट व्यू देखता हूं, लेआउट में कुछ टाइप नहीं हो रहा, देखिए वन बाय वन, ठीक है। वहीं मैंने इसको क्लिक किया फॉर्म व्यू, जैसे ही मैंने फॉर्म व्यू पर क्लिक किया, यहां पर मैं लिख सकता हूं, जैसे कि मैंने लिखा नाम है डेल, फादर नेम है एचपी, कॉन्टेक्ट नंबर इसका 9834567 8, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए मैंने कैलेंडर डिजाइन किया हुआ है, करेंसी मैं देता हूं उसकी, ठीक है, आईडी 2 डाल दी, फोटो को अटैच करनी तो कर सकते, देन क्लिक, फिर नीचे की तरफ क्लिक किया, ठीक है, इस पॉइंट, यानी वन बाय वन भर सकता हूं, बट मुझे एक कंप्लीट फॉर्म बनाना है, तो कंप्लीट फॉर्म के लिए अब मुझे इसके डिजाइन व्यू बनाना पड़ेगा, डिजाइन व्यू, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए मैंने क्या किया था, कौन से व्यू पर गया था, फॉर्म भरने के लिए मैं गया था फॉर्म व्यू पर, बट अब मैं इसको डिजाइन कर रहा हूं फॉर्म, तो मैंने डिजाइन व्यू पर क्लिक कर दिया। डिजाइन व्यू पर क्लिक करने के बाद आपने यहां पर ध्यान देना, इस बटन को क्लिक कर, आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप बना लें पहला बॉक्स, ठीक है, यानी मैंने क्या किया, क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं इसे बना रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने इस बटन को बनाया, यहां पर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी वन बाय वन, तो मुझे लेना है फर्स्ट रिकॉर्ड, मैंने फर्स्ट रिकॉर्ड को क्लिक किया, नेक्स्ट किया, ठीक है, दो चीजें यहां पर दिख रही है मुझे, क्या, या तो मैं टेक्स्ट पर क्लिक करूं या पिक्चर्स पर क्लिक करूं, अपने आप उठा लेगा, तो मैंने क्लिक किया टेक्स्ट पर कि भाई टेक्स्ट दिखाओ, ठीक है, टेक्स्ट पर चेक मार्क किया मैंने, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद देन फिनिश, ठीक है, फर्स्ट मेरा, सेकेंड फिर से मैंने एक और लिया, क्लिक किया, सेम रेंज पर एक और बना दिया, ठीक है, इसमें लास्ट, लास्ट पर क्लिक किया मैंने, नेक्स्ट किया, टेक्स्ट पर क्लिक किया, नेक्स्ट, देन फिनिश, ठीक है, एक और ले लिया, तीसरा बटन फिर से बना लेता हूं, क्लिक किया, क्लिक, रिकॉर्ड ऑप्शन पे आया मैं, और यहां पर मैं प्रिंट पर क्लिक कर रहा हूं, नेक्स्ट, प्रिंट के लिए मैं पिक्चर ही रख रहा हूं, नेक्स्ट, देन फिनिश, ठीक है, फिर से एक और लिया, क्लिक किया, नेक्स्ट क्लिक किया, देन सेव के लिए मैंने क्लिक कर दिया, नेक्स्ट, नेक्स्ट, देन फिनिश, ठीक है, और ये सारी चीजें मैंने करने के बाद सिंपल अगेन ऐप फॉर्म पर क्लिक किया ऊपर की तरफ, ठीक है, यहां पर, ठीक है, ऐप फॉर्म पर क्लिक किया, देन मैंने फॉर्म व्यू पर क्लिक कर दिया। अब देखिए फर्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है, लास्ट रिकॉर्ड, दो ही रिकॉर्ड बने हुए, या फिर प्रिंट पे क्लिक किया तो ये प्रिंट आ गया, ठीक है, वही सेव के लिए क्लिक किया मैंने, सेव बटन पर, सेव का बटन आ जाएगा, तो वन बाय वन, यानी अगर आप ऐप पर आए, अपने इस वाले फॉर्मेट पर आए, इसको एक बार क्लोज करें, आपने इसको क्लोज किया, ठीक है, और ये फॉर्म को भी यहां से क्लोज कर दें, यस, ओके, ठीक है, तो देखिए पहली चीज आप ऐप फॉर्म को क्लिक करें तो यहां पर दोनों एंट्री होगी, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो यहां फर्स्ट आ गया, फर्स्ट रिकॉर्ड आ ही रहा है आपका, ठीक है, इसके बाद आप अगर इस पर क्लिक करें लास्ट रिकॉर्ड पर, तो
लास्ट रिकॉर्ड पर आपने क्लिक किया तो चेक कर सकते हैं कि लास्ट रिकॉर्ड क्या था, ठीक है। वहीं अगर मान लीजिए आप और आगे जाते, आपने आगे रन करा दिया, तीसरा रिकॉर्ड आप फाइल कर, ठीक है, तीसरा रिकॉर्ड आपने डाला मिस्टर एस वाई एम शाम, फादर्स नेम राम, कॉन्टेक्ट नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कुछ भी डाल दिया आपने, सैलरी, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी आपने कुछ भी, और यहां पर है सेव का ऑप्शन, यानी सेव कर दिया, ये डाटा मेरा सेव हो गया, लास्ट रिकॉर्ड ये है, फर्स्ट रिकॉर्ड ये है, ठीक है। उसके बाद आपने सिर्फ क्लोज करना, अपने टेबल को भी क्लोज करना है ताकि ये अपडेट हो। जब आप फॉर्म को क्लिक करेंगे तो देखिए तीनों एंट्री आपकी आ चुकी है। अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो ये एंट्रियां नहीं आएंगी, तो आपने क्लोज करना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये था फॉर्म बनाने का तरीका।